Hello everyone, welcome back. So today we are going to start a new chapter and the chapter name is Just Imagine. See, naam se hi aise lag raha hai na kitna interesting chapter hone wala hai. Aur ye bahut pyari si short poem hai jo likhi hai Shantini Govindan ne likhi hai and she is a widely published award winning author of children's literature. ओके सो जस्ट इमेजिन, आप इमेजिनेशन क्या था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन होता है. जो आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा ना, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज. नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन इनसर्कल द वर्ल्ड. ऐसे ही एक हुए हैं हमारे मोहम्मद अली, उन्होंने लिखा है द मैन हु हैज़ नो इमेजिनेशन हैज़ नो विंग्स. ओके, अगर आप एक दिन सुबह उठें और आप बाहर जाके देखें कि आसमान का रंग पर्पल हो गया है, वाओ, तो कैसा लगेगा आपको. और अगर आप देखें कि चिड़ियाओं ने गाना बंद कर दिया है, डे टाइम में सारी चिड़िया सोने चली गई है, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करके देखिए, अपने ब्रेन को थोड़ा खोलिए और कुछ भी उठपटांग इमेजिन करके देखिए, यू विल बी हैव फन. और इस पोम में हमको इतना ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम इस तरह की इमेजिनेशन करेंगे, अगर जिराफ को टाई पहना दी जाए तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन. एलिफेंट को नोजी आ रही है और उसको अपनी नोजी साफ करनी, जस्ट इमेजिन उसको कितने एंकीज लगने वाले हैं. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो उटपटांग है थोड़े से, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं जस्ट इमेजिन. If crocodile had to brush their teeth the way I do every morning in 9, just imagine the number of toothbrushes they would need to keep all the rows of teeth sparkling white. अब अगर crocodiles को brush करना पड़ जाए तो, जिस तरह से मैं डेली सुबह मॉर्निंग में और रात में ब्रश करता हूँ, वैसे अगर क्रोकोडाइल को ब्रश करना पड़ जाए तो, जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ टूथब्रशेस दे वुड नीड. तो उनको कितने सारे ब्रश लगेंगे, जो कि आपने देखा है ना क्रोकोडाइल्स के कितने सारे दांत होते हैं, टू कीप ऑल दोज रोज ऑफ टीथ स्पार्कलिंग वाइट. और उसको अपने दांत चमकाने के लिए, सफ़ेद चमकाने के लिए कितने सारे टूथब्रशेस लगेंगे, जस्ट इमेजिन. If elephant had to use handkerchiefs every time they sneezed or had a bad cold, just imagine how many hankies they would have to wash and iron and fold. अगर हर बार elephant को hankie use करना पड़ जाए जब भी वो छीके या उसको बहुत ही सर्द हो जाए, सर्दी हो जाए, just imagine, आप imagine करिए कि उसको कितने सारे हैंकीज लगेंगे, क्योंकि आपने देखा ना एलिफेंट की कितनी बड़ी ट्रंक होती है, ठीक है, और उन हैंकीज को कैसे वो वॉश करेगा, कैसे वो आयरन करेगा, कैसे एलिफेंट उनको फोल्ड करेगा, है ना, बहुत फनी. तो जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए तो. If giraffes had to wear ties around their necks like I do to school every day, just imagine how long those ties would be and how they would dangle, flutter and sway. अब आ गई imagination की बारी जिराफ की. तो अगर जिराफ को अगर हम टाई पहना दें, उसकी गर्दन की तरफ, उसकी गर्दन में हम टाई लटका दें, आपने देखा ना जिराफ की नेक कितनी ज़्यादा लंबी होती है, अगर हम उसको टाई पहना दें, जिस तरह से मुझे रोज स्कूल में टाई पहन के जाना पड़ता है, जिस तरह से मैं टाई पहनता हूँ, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करके देखिए कि हाउ लॉन्ग दोज टाइज वुड बी, वो टाई कितनी लंबी होगी जो हम जिराफ को पहनाएंगे, एंड हाउ दे वुड डैंगल, फ्लटर एंड स्वे. और वो जो टाई जो जिराफ को हम पहनाएंगे, वो कैसे लटकेगी, कैसे लहराएगी, कैसे हिलेगी उसकी गर्दन में, जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करके देखिए कितना मजा आ रहा है ना, कि हमने जिराफ को टाई पहना दी, हमने एलिफेंट को हम लोग हैंकी से उसकी नोज साफ कर रहे हैं, क्रोकोडाइल को हम क्या कर रहे हैं, ब्रश करा रहे हैं, तो कितना मजा आ रहा है ना. If centipedes had to wear boots with laces all fastened and tied up tight, just imagine what a tangle of legs there would be if just one of those laces was not done up right. अब
अब हम बात करते हैं सेंटीपेड। सेंटीपेड्स क्या होता है? अ थिन लॉन्ग क्रिएचर विद हंड्रेड्स ऑफ टाइनी लेग्स। आप सबने हिंदी में सुना होगा कान खजूरा, जिसके बहुत ही ज्यादा पैर होते हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे उसके पैर होते हैं। अगर हम उस सेंटीपेड्स को, कान खजूरे को, अगर हम बूट्स बना दें, देखिए, और उन बूट्स पे जो उसकी लेसेस है वो अगर हमने टाइट करके बांध दी, और आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर सपोज उसमें से किसी बूट की लेस खुल गई तो क्या होगा, कितना मेसी हो जाएगा, वो तो गिर ही पड़ेगा, राइट? उसकी लेसेस, जो उसकी बूट की लेसेस है, वो इधर उधर फंस जाएंगी। इफ जस्ट वन ऑफ दोज लेसेस वाज नॉट डन अप राइट, अगर उनमें से कोई लेस ठीक से नहीं बंधी और वो खुल गई, तो बेचारा कान खजूरा तो गिर ही जाएगा, फंस ही जाएगा, उससे से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो है ना कितना फनी। If children like me had wings like birds, with which we could fly and soar up high, just imagine how many children they would be zooming about in the sky. अगर अब बात आती है बच्चों की, बात आ गई हमारी, बात आ गई, राइट? इफ चिल्ड्रन लाइक मी, अगर मेरे जैसे बच्चे, हम सबको विंग्स मिल जाए, जिस तरह बर्ड के विंग्स होते हैं ना, वैसे अगर मुझे भी विंग्स मिल जाए तो क्या होगा, विद विच वी कुड फ्लाई, फिर हम लोग आसमान में ऊंचे ऊंचे उड़ेंगे, एंड सोर अप हाई, ऊंची उड़ानी भरेंगे। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वुड बी, और कितने सारे, आप इमेजिन करिए कि हर एक बच्चे को अगर पंख मिल जाए तो कोई घर में बैठना पसंद करेगा? नहीं, नेवर। अब सारे बच्चे, आपको जितने भी बच्चे होंगे, सब आसमान में उड़ रहे होंगे, ठीक है, जूमिंग अबाउट द स्काई, एंड दे विल ट्रैवलिंग वेरी क्विकली हियर एंड देयर, और मस्ती मजा कर रहे होंगे। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए। थी ना ये पोएम कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि हमने इतना कुछ इमेजिनेशन कर लिया, इतना ज़्यादा फन किया हमने इस पोएम में। आई होप जिस तरह से ये पोएम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उसी तरह से आपको भी पोएम बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके, सो प्लीज यू गो थ्रू दिस पोएम वन मोर टाइम, रीड द हार्ड वर्ड, रीड द स्पेलिंग्स। ओके एवरीवन, सो एवरीवन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।